टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती धरना प्रदर्शन की। आज चेयरमैन से जो वार्ता हुई और आज पूरे धरना प्रदर्शन में क्या हुआ, वीडियो छोटा ही रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी क्या नई अपडेट है और जो नई जूनियर भर्ती है, साथ में पुरानी जूनियर भर्ती की भी चर्चा होगी। पीसीएस में बदलाव का क्यों विरोध हो रहा है, इस पर बात करेंगे। और यूपी ट्रिपल एससी की आज एक नई नोटिस फिर से जारी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ, जिसे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। कुछ टीचर दिल्ली से भी आए थे, जैसे हिमांशी मैम को आप देख रहे हैं, और कुछ चंद्रा के टीचर आए थे। टारगेट टाउन के रवि पी तिवारी भी थे, और जो ज्ञान गंगा कोचिंग के राहुल पांडे तो शाम तक रहे, बाकी जो टीचर है वो सब एक आध घंटे 15-20 मिनट में चले गए। और ये जो आई थी हिमांशी मैम, ये भी लगभग मुझे लगता है कि आधे घंटे रही थी, उसके बाद में ये भी चली गई थी। लेकिन इससे कुछ नहीं है, और मेन तो धरना प्रदर्शन छात्रों का था, और आज छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। जिस प्रकार से 5 सितंबर को विद्यार्थी आए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी विद्यार्थी आए थे। होना चाहिए, विज्ञापन जारी होना चाहिए। तो वो एटलीस्ट के तब एग्जाम आएगा तो हम तैयारी शुरू करें, इतनी वैकेंसी आएंगी, क्लैरिटी होगी, अलग अलग पद पे पीआरटी टीजीटी पीजीटी सब पे ये होगा, तो वो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई भी विज्ञापन या विज्ञप्ति जो निकले वो उस तरह से निकले, तो ना तो प्रशासन परेशान हो ना हम परेशान हो। और पिछले साल जो है सेवा चयन आयोग बना था, हमें लगा था उम्मीद जागी है, अभी एक साल हो गया, आप जाकर के अध्यक्ष महोदय आई है, बट महोदय आई है तो अभी कुछ, लेकिन लिखित में कुछ है नहीं, ऑफिशियली तो कुछ अनाउंसमेंट है ही नहीं। वो लोग कह दे रहे हैं अभी अधियाचन आएगा तब कुछ पता लगेगा, तो वही बात है कि क्लियर क्लैरिटी आए कुछ चीजों में, पता लगे। विद्यार्थियों को ये कहना था कि ये जो धरना प्रदर्शन है वो लगभग 6-7 घंटे तक चला। सुबह 9 बजे से ही छात्र एकत्रित हो गए थे और शाम को लगभग 5 बजे तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहा। विद्यार्थी आज दोनों गेट पर बैठे थे। शुरू में तो विद्यार्थियों का यही स्टैंड था कि कोई भी जो विद्यार्थी है वो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अंदर गए विद्यार्थी। एक बार रजत सिंह और शायद 4 छात्राएं भी गई थी, और कुछ वार्ता भी, और उन्होंने बताया चेयरमैन ने कि हम प्रस्ताव बना करके हमने भेज दिया है, और जैसे ही हमारे पास आएगा तो वैसे ही भर्ती पर काम करेंगे। उसके बाद से फिर से दोबारा इन विद्यार्थियों को फिर लगभग आधे एक घंटे बाद फिर अंदर बुलाया गया, और चूंकि विद्यार्थी दोनों गेट पर बैठे हुए थे, और यहाँ पर संख्या आप लोग देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या है। और जब छात्र बाहर निकल करके आए तो छात्रों ने बताया कि क्या वार्ता हुई है। वार्ता में फिर से वही बातें रिपीट की, छात्रों द्वारा रिपीट हुई कि उन्होंने 11 तारीख को, और छात्रों ने बताया कि यह हमने देखा है लेकिन हमको फोटो नहीं खींचने दिया गया, 11 सितंबर को शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी पीजीटी और पीआरटी वैकेंसी इत्यादि के लिए प्रस्ताव बना करके भेज दिया है, और जैसे ही वहां से अधियाचन आ जाएगा तो हम 11 तारीख को याचन भेजा गया है, दिखाया गया है, सब लोग बीते और हमारी दो बहनें थी, विनोद थे और सुरेश थे। बदलिएगा मत अब, सुन मेरी बात ना। अरे भैया मैं फोटो लेना चाहा तो बोले कि ये आयोग है और ये गोपनीयता के जाना था। मैं कैसे नहीं, अगर वार हो जाता तुम्हारे साथ ही भरोसा। तो यहाँ पर आपने सुना माध्यमिक की भी बात की गई कि माध्यमिक के भी जो पद भरे जाने हैं उसको भी लेकर के प्रस्ताव बना करके भेजा गया है। 11 तारीख का अध्याचन का उन्होंने दिखाया, बात यह कि अध्याचन आएगा कब, उन्होंने वहाँ भी मेरे सामने प्रशासन के सामने बात किया, मैं कैसे की बात ही नहीं है। यहाँ पे अध्याचन की बात है, यहाँ पे अध्याचन आएगा। और इसके बाद में फिर से इन छात्रों को प्रशासन ने अंदर बुला लिया, और उसके बाद में सभी छात्रों को खदेड़ दिया यहाँ से। रजत सिंह भी अंदर थे और विश्व यादव भी अंदर थे, 2-3 छात्र और अंदर थे। और उसके बाद में फिर थोड़ी देर तक यही हुआ कि छात्र आ गया कि पीछे पीछे पुलिस, रास्ता खाली करवाया गया, सारे जो सदस्य वगैरह हैं वो फिर निकले। और फिर से एक बार यही हुआ कि एक बार फिर से आयोग की तरफ से छात्रों को आश्वासन दिया गया। तो देखने वाली बात यह है कि प्रस्ताव बना करके तो भेज दिया गया, ये देख सकते हैं आप छात्र लौट रहे हैं, कि कब जो है अब वहाँ से जो अधियाचन है वो कब प्राप्त होता, तब ये शासन के पाले में गेंद है। हाँ, टीजीटी पीजीटी के बारे में भी जैसे आज वार्ता हुई तो उसमें जानकारी निकल करके आई कि
इसके लिए भी प्रस्ताव बनाकर के भेजा गया है। तो देखने वाली बात है कि कब आखिरकार पद आयोग आते हैं और कब क्या होता है। हालांकि विद्यार्थी इसके लिए दबाव बना रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी में जो भी पद हों वो पुरानी भर्ती में जोड़ा जाए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने पहले ही बताया था आयोग का जो मूड है, मैं स्पष्ट बताऊंगा जो भी बातें होंगी, और कि उसकी योजना यही है कि नया विज्ञापन निकाला जाए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे क्योंकि और भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। हम बात करेंगे 6 to 8 जूनियर की नई भर्ती को भी धरना प्रदर्शन का ऐलान किया छात्रों ने। ये धरना प्रदर्शन का तो मैंने आपको सुबह की वीडियो में दिखाया था कि 27 तारीख को शिक्षण निदेशालय में धरना प्रदर्शन है। इसको लेकर के आज ये विभाग में ये पत्र भी दिया गया है और धरना प्रदर्शन के बारे में जानकारी भी विभाग को दे दी गई है। और विद्यार्थी चाहते हैं कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में 5,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, साथ में बेसिक में भी 50% सीधी भर्ती की जाए। ये तो एडेड जूनियर की बात हो रही है जिसका विज्ञापन निकला था, ये अलग विद्यालय होते हैं, इसमें ज़्यादा पद नहीं होते हैं। और बेसिक के बारे में विद्यार्थियों ने कहा कि इसमें 50%, और नीचे एक और लिखा है शासकीय अशासकीय जो GIC वगैरह हैं, सभी माध्यमिक इंटर कॉलेज जितने भी हैं 6 to 8 तक की जहाँ पर कक्षाएं चलती हैं वहाँ पर NCTE की अधिसूचना का अनुपालन करते हुए BEd उच्च प्राथमिक टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए, जो TGT PGT और LT के जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो ये मांग वाला जो पत्र ये विद्यार्थी ने दिया और उसकी 3 प्रतियाँ 3 जगह दी गई हैं, एक अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को, एक अपर शिक्षा निदेशक बेसिक को और अध्यक्ष शिक्षा सेवा चयन आयोग को। और ये देख सकते हैं मोहर भी लगी हुई है और ये सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को दिया गया है। और इसी तरीके से ये एक और पत्र है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात कर लेते हैं अब जो एडेड जूनियर भर्ती पुरानी वाली है जिसका मामला रुका हुआ है, जिसका विज्ञापन लगभग 1800 पदों के लिए जारी हुआ था। मैनेजमेंट गुहार लगा रहा है कि अगर सरकार भर्ती नहीं कर पा रही है तो हमको फिर से अधिकार दिया जाए। इसी तरीके का जो मामला है वो पहले माध्यमिक के लिए यानी TGT PGT के लिए भी मैनेजमेंट केस कर चुका है और वहाँ पर भी वो मांग कर रहा है कि सरकार पद नहीं भर पा रही है और जिससे जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें खराबी आ रही है, कमी हो रही है, और इसलिए फिर से अधिकार दिया जाए ताकि हम जो नियमित शिक्षकों की नियुक्ति कर सकें पहले की तरह और शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। और इसी को लेकर के ये एक मामला था जिसकी सुनवाई कल हुई थी, यहाँ पर कल डेट भी पड़ी है, अगली डेट 4 तारीख यहाँ पर लगाई गई है, और जिसमें शासन की तरफ से ये कहा गया है एडेड जूनियर भर्ती पुरानी वाली को लेकर के हम भर्ती को जल्द कर रहे हैं और हम जल्द भर्ती की जो प्रक्रिया को कंप्लीट करा देंगे। इसको लेकर के एफिडेविट भी मांगा गया था तो वो एफिडेविट भी सरकार की तरफ से दिया गया है। एडेड जूनियर का एक और मामला है जिसकी सुनवाई आज होनी थी जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन सुनवाई हो नहीं पाई। ये मामला स्पेशल अपील का है, जो विद्यार्थी हार गए थे कोर्ट से उन विद्यार्थियों ने स्पेशल अपील किया था और फेस पे केस लगा था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी है। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, भर्ती में कोई रोक नहीं है, कोर्ट से भर्ती क्लियर हो चुकी है और ये मामला तो चलता ही रहता है। चूंकि मैनेजमेंट भी दबाव बना रहा है और एफिडेविट देने के लिए कहा गया है और हो सकता है कि सरकार जो है इसको लेकर के जल्द शासनादेश जारी कर दे। हालांकि इसको लेकर के कई बार विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, नगेंद्र पांडे के नेतृत्व में पिछले हफ्ते धरना प्रदर्शन हुआ था और उस समय भी आश्वासन दिया गया था कि हम बहुत जल्द जियो जारी कर देंगे, लेकिन जियो अभी तक जारी नहीं हुआ है। अगली सूचना है PCS में बदलाव का विरोध हो रहा है। आपने भी सुना होगा, पेपर में भी दिया गया था कि PCS की जो परीक्षा है वो 2 दिन में हो सकती है, चूंकि परीक्षा केंद्र ही नहीं है, और उसी को लेकर के विद्यार्थियों ने यह ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री महोदय को द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। वो लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संशोधित परीक्षा कैलेंडर 2024 3 जून के अनुसार सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 27 अक्टूबर को करवाया जाना संभावित है और उक्त परीक्षा के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई यह खबर की 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर 2 तारीख में संपन्न होगी प्रमुख की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों की अधिक संख्या प्रमुख कारण बताया गया है। नीचे विद्यार्थियों ने लिखा है कि महोदय 2 तिथियों में परीक्षा कराए जाने से परीक्षा परिणाम व अन्य प्रक्रियागत समस्याओं के संबंध में अभ्यर्थियों ने निम्नलिखित बिंदुओं में सामूहिक रूप से चिंता प्रकट की है। 1, परीक्षा परिणाम में नॉर्मलाइजेशन की समस्या आना स्वाभाविक है क्योंकि 2 दिन परीक्षा होगी। 2, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या A1E1 2024 में मानकीकरण के निर्धारण के संबंध में किसी प्रावधान प्रक्रिया या सूत्र का उल्लेखित नहीं किया गया, यानी कि नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं होना चाहिए। 3, नॉर्मलाइजेशन की समस्या पूर्व में भी विभिन्न परीक्षा परिणाम में बाधा उत्पन्न की है, मेंस में बहुत हंगामा हुआ था। और यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित अन्य आयोग बोर्डों में विधिक विवाद रहा है, सही बात है। मानकीकरण की समस्या अभ्यर्थियों के हित को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी और अंततः विधिक विवाद को जन्म देगी। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा नियमावली 2024 में PCS परीक्षा को विशिष्ट परीक्षा मानते हुए 1 दिवस व 1 ही पाली में कराने की छूट प्रदान की गई, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझको भी फोन करके कहा है और मेल भी किया है कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत नुकसान होगा, परिणाम भी लंबित हो सकता है, मामला भी कोर्ट में जा सकता है। अगली सूचना है UP SSSC की, 2 सूचनाएं हैं। एक तो ये सूचना है कि
यूपीएससी ने एक नोटिस जारी किया, वो मैं बाद बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती के लिए, जिसको लेकर के मैंने सुबह की वीडियो में जानकारी भी दी थी, कल के वीडियो में भी जानकारी दी थी कि 19 तारीख को विद्यार्थी यूपीएससी जाएंगे और मांग करेंगे कि जो 9000 पद रिक्त हैं, यहां पर देख सकते हैं 9110 पद रिक्त हैं, आरटीआई की तरफ विद्यार्थियों को जानकारी दी गई थी विभाग में, और इन पदों पर जल्द से जल्द ट्यूबवेल ऑपरेटर का विज्ञापन निकाला जाए। इसका आज विद्यार्थी गए सबसे पहले तो पिकअप भवन, और पिकअप भवन में अधिकारियों से वार्ता भी, चेयरमैन तो है नहीं वहां पर, स्थायी अभी सचिव थे, सचिव से बातचीत हुई, और छात्रों ने बताया कि जब सचिव जी ने कहा कि मेरे पास अधिकार नहीं आया है, उसके बाद में जो ये जो छात्र हैं उन्होंने कहा कि नहीं विभाग में इतने पद रिक्त हैं। फिर जो जितने भी विद्यार्थी हैं, ये सारे के सारे जो विद्यार्थी है प्रमुख अभियंता यांत्रिक के पास में गए और उनसे बताया कि इतने पद रिक्त हैं और वो अधिकार यूपीएससी की तरफ से बताया जा रहा है कि नहीं आया हुआ है। तो फिर वहाँ पर उसको उन्होंने देखा और बाद में बताया कि आपकी जो भर्ती है वो नियमावली में फंस गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी भर्तियाँ नियमावली में फंसी हैं ना, जैसे एलटी ग्रेड, शिक्षा अधिकारी, प्रवक्ता, ई, और उसी तरीके से आप ये वैकेंसी भी नियमावली में कुछ बदलाव हो रहा है। 16 में वैकेंसी आई थी लगभग 2900 पदों में, उसके बाद से ये लगभग 8 साल से भर्ती नहीं आई है, विभाग में आधे ज़्यादा पद रिक्त हैं और अब ये भर्ती नियमावली में फंसी है। तो फिलहाल तो विद्यार्थी अभी लखनऊ में है, आगे जो अपडेट्स होंगी मैं आपको दूंगा। ये यूपीएससी ने नोटिस जारी किए, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट मुख्य परीक्षा का क्या परीक्षा का प्रारूप होगा, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और वही लगभग वही सिलेबस है, 20 यूपी, 15 कंप्यूटर की, और बाकी जो है इनका स्पेशल जो सिलेबस है वो है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के, लगभग 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अंतिम सूचना बीपीएससी की है, बीपीएससी ने अभी अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग फाइनल आंसर की जारी कर दी है, ये देखिए आप लोग, ये देखिए 6-8, ये देखिए TRE3 की, तो जाकर के आप लोग देख लीजिए, जल्द ही आपको परिणाम देखने को मिलेगा। ये होगी आज का वीडियो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का होता लगे बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, पूरे वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।